हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब उसके खिलाफ में रहने वाला हूँ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लाइक करें उसको दबाएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के ओपनर्स की। ओपनर दोस्तों, पहले नंबर पे क्विंटन डेकॉक जो एज अ ओपनर खेलते हैं, और दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव भी एज अ ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर में इनका आता है, लेकिन इनका पिछले साल जब इनको ओपन कराया गया था इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर 3, 4 और 5 नंबर। तीसरे नंबर पे दोस्तों रोहित शर्मा, चौथे नंबर पे युवराज सिंह और पांचवे नंबर पे ईशान किशन, ये कन्फर्म्ड है। तीनों का परफॉर्मेंस, तीनों का नंबर एकदम ठीक, एकदम सही बैठता है इन सब पोजिशन पे, और ये सब अपना अपना बेस्ट भी इन पोजीशन पे दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके ऑलराउंडर्स यानी 6 और 7 नंबर। 6 नंबर पे दोस्तों हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पे कृणाल पांड्या, दोनों पांड्या ब्रदर्स आएंगे। हार्दिक पांड्या उनसे ऊपर क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है, कृणाल पांड्या उनसे नीचे, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा हार्दिक पांड्या से थोड़ा कम अच्छा रहता है, लेकिन ये दोनों ब्रदर्स जो है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये दोनों 6 और 7 नंबर पे आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। दोस्तों 8, 9, 10, 11 नंबर। 8वें नंबर पे दोस्तों मिचेल मैकलानेघन, 9वें नंबर पे मयंक मारकंडे, 10वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पे लसित मलिंगा। ये कंफर्म्ड है पूरी प्लेइंग 11, ये कंफर्म प्लेइंग 11 है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो बताया है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं अगली वीडियो कौन सी टीम के ऊपर बनाऊं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल बेल आइकन उसका भी दबा दें।